हम आपको जिस मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं उसका नाम है भारत। आज हम आपको भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नाज़रीन, भारत दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां हर एक 50 किलोमीटर पर लोगों की जुबान, मजहब और रहन सहन बदल जाता है। 700 ईस्वी से पहले हिंदू या हिंदुस्तान नाम का कोई लफ्ज नहीं था। इसका पहला इस्तेमाल पारसी लोगों के जरिए किया गया जो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी बुलाते थे। पुराने दौर में ज्ञान में हिंदुस्तान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। ज्योमेट्री कैलकुलेशन का जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ। आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं इसकी भी खोज पुराने हिंदुस्तानी दौर में हुई। हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जहाँ चीनी की इजाद हुई। इंग्लिश बोलने के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत का एटमी मिसाइल सिस्टम और भारत को एटमी ताकत बनाने वाले अब्दुल कलाम का ताल्लुक भारत से ही है, जिन्होंने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर भारत का पहला सैटेलाइट सिस्टम बनाया और कामयाबी से लॉन्च किया। आज भारत उन चंद मुल्कों में से है जिनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है। कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी के दौर में सैटेलाइट के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था तो उस वक्त की काबीना ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। फिर इंदिरा गांधी ने खुफिया तौर पर सारे इंतजाम किए थे और फाइनली ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। बहुत ही फेमस हॉलीवुड स्टार विन किंग्सली असल में भारत से ही हैं, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी अपने नाम किया है और उनका असल नाम कृष्णा पंडित बांजी है। भारत का पहला रॉकेट इतना छोटा था कि उसे साइकिल पर लाद कर लॉन्च स्टेशन पर पहुंचाया गया। भारत में जो कुंभ का मेला हुआ वो इतना बड़ा मेला था कि स्पेस से भी उसे देखा जा सकता था। दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में है, जिसकी तादाद लाखों में है। भारत में चार मजहबों की पैदाइश हुई जिसका फॉलोअर 25% से भी ज्यादा है। ये मजहब हैं हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, जिनकी तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है। मार्शल आर्ट जो चीन और जापान में बहुत मशहूर समझे जाते हैं, उसका दरअसल जन्म भारत में हुआ और ये फिर बुद्धिज्म मजहब के जरिए पूरी दुनिया में फैला। हिंदुस्तान की कुल आबादी 2016 के आदादोशुमार के मुताबिक 1.324 बिलियन है। इंडिया में जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है उसका नाम इंडियन रुपया है। अगर हम भारत की करेंसी की वैल्यू की बात करें तो अमेरिका का $1 और भारत के 68.69 रुपीस बनते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।